हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टर्म होंगे, बल्कि इसमें वन टर्म होंगे। और ये जो वन टर्म होगा वो एक नन जीरो कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग 6 - 8, 9/14 कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, 6 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा, -8 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा, 9/14 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नाम तो पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल होता नहीं है, इसमें एक ही टर्म होते हैं, और वो जो एक टर्म है वो नन जीरो कांस्टेंट होगा, यानी जो कांस्टेंट होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल में केवल जीरो होता है। आप इसके डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जो जीरो जो कांस्टेंट यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इन सभी का डिग्री आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा, क्योंकि इसमें जब आप 6 लिखते हैं तो इसका एक मतलब आप 6 × x^0 समझ सकते हैं, क्योंकि 6 × x^0 को 1 लिखिएगा तो दोबारा 6 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसका जो भी डिग्री होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। अगर टर्म की बात की जाए तो क्योंकि इनके इनके और इनके बीच में माइनस और प्लस आया हुआ है, तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि ये और ये तीनों तीन अलग अलग टर्म हैं, क्योंकि माइनस और प्लस इन सभी को अलग किए हुए, इसलिए टर्म की संख्या यहाँ पर 3 हुई। इसके बाद वेरिएबल्स की बात आती है, है ना। तो वेरिएबल्स में देखा जाए तो यहाँ पर x^2 है और ये भी x है, इसका मतलब ये हुआ x का यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू x में यहाँ भी चला आएगा, यानी इसमें वेरिएबल 1 है और वो वेरिएबल क्या है, ओनली x। इसके बाद डिग्री की बात आती है, तो जो पहला टर्म है 7x², इसका डिग्री कितना है, 2। सेकेंड टर्म है -4x, इसका डिग्री कितना है, 1, क्योंकि x^2 यहाँ 1 माना जाएगा, और 3, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। हम लोग देखते हैं इन तीनों टर्म में ये जो डिग्री है वो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है, इसलिए पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 2 माना जाएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोला जाएगा इन एक्स।